우울증. दोस्तों मैं तक बैठा हुआ था, खड़ा हो गया हूँ, जाहिर है कोई ना कोई खास बात है। खुदा का शुक्र अदा कर कि खुश नसीब है तू, खुदा का शुक्र अदा कर कि खुश नसीब है तू, तुझे उठाना पड़ा है गमे हयात का बोझ। हमारे हाथ में हल्का सा एक कलम है, मगर हमारे दोस्त पे है सारी कायनात का बोझ। एक मामूली सा कलम होता है, लेकिन पूरी कायनात को खुली हुई आंखों से उसे देखना पड़ता है। सारे नशे को फराश की तस्वीरें अपनी आंखों में महफूज करनी पड़ती हैं, और तब जाकर के उसे शायरी जब वो बनाता है तो लहजे की नुदरत भी मद्देनजर रखनी पड़ती है। ख्यालात की नुदरत अपनी जगह पर, लेकिन लहजे की नुदरत जब तक नहीं होगी तब तक आपकी कोई शनाख्त नहीं बन सकेगी। एक ऐसा शख्स जिसने शायरी में शेर गोई में अपनी शनाख्त बनाई है, नसर अगर वो लिख देता है तो इतनी खूबसूरत कि जी चाहता है कि उसे आंखों का सुरमा बना दिया जाए। शायरी में उसने कुछ ऐसे मौजूदात पर हुकूमत की है कि ऐसा लगता है कि इन मौजूदात को मुकद्दस तहरीरों की तरह मुनव्वर दाना के शेर की शक्ल में अपने उनकी फोटो से मेरे हक में दुआ निकली है। उनके फोटो से मेरे हक में हमने उम्र खराबी हो गया। अपने घर में देखते हो कि वही उनके होटो से मेरे हक में दुआ निकली है, जब मरस फैल चुका है तो दवा निकली है। उनके होटो से जब मर फैल चुका है तो दवा की, एक ही झटके में ये हो गई टुकड़े टुकड़े, इतनी कमजोरी की जंजीर वफा, एक ही टुकड़े में ये हो गई टुकड़े टुकड़े, इतनी कमजोर ये जंजीर वफा। एक मतलब ये भी कि सहरा में देखेंगे बाबू जी, मैं जी अनुरोध कर रहा हूँ कि सहरा में चरागों की दुकानें नहीं होती। ये हिजर का रास्ता है, ये हिजर का रास्ता है, ढलाने नहीं होती। ये हिजर का रास्ता है, ढलाने नहीं होती। सहरा में चरागों की दुकानें नहीं होती, सहरा में चरागों की दुकानें नहीं होती। और फिर यह है कि खुशबू का ये झोंका अभी आया है उधर से, किसने कहा सहरा में अजाने नहीं नहीं होते हैं। शेर को याद नहीं रहना तो याद है। एक मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि कर देगा आवाज़ मुझे, क्या ऐसा लगता है कि कर देगा आवाज़ मुझे, मेरी मर्जी से उड़ाने लगा तैयार मुझे। अरे वाह, कि मैं समझ जाता हूँ इसमें कोई कमजोरी है, और मैं समझ जाता हूँ इसमें कोई कमजोरी है, मेरे जिस शेर पे मिलती है बहुत मेरे जिस शेर पे मिलती है बहुत आराम मुझे। और जो मुझे जहाँ याद आ रहे हैं, मैं याद कर रहा हूँ इनायत, आज मैं सिर्फ रात मुबारकबाद देने आया हूँ, मैं इंदौर पर हाजिर होता रहता हूँ।
एक मतलब यह किया है कि सहरा पसंद होके सिमटने लगा हूं मैं, सहरा पसंद होके सिमटने लगा हूं मैं, अंदर से लग रहा है कि पटने लगा हूं, सहरा पसंद होके सिमटने लगा हूं, अंदर से लग रहा है कि पटने लगा हूं मैं। इससे यह है कि फिर सारी उम्र चांद ने रखा मेरा ख्याल, फिर सारी उम्र चांद ने रखा मेरा ख्याल, एक रोज कह दिया था कि घटने लगा, सारी उम्र चांद ने रखा मेरा ख्याल, एक रोज कह दिया था कि घटने लगा हूं मैं। मतलब ये कि मेरी अना का कद जरा ऊंचा निकल गया, मेरी अना का कद जरा ऊंचा निकल गया, जो भी लिबास पहना वो छोटा, मेरी अना का कद जरा ऊंचा निकल गया, जो भी लिबास पहना वो छोटा निकल गया। मैं आखिरी दवा चमन के दियों का हूं, मैं आखिरी दवा चमन के दियों का हूं, तुम ये समझ रहे हो कि कांटा नहीं, सच्चा निकल गया और अब उसके दिल पे मेरी हुकूमत नहीं रही, अब उसके दिल पे मेरी हुकूमत नहीं रही, अब दस तरफ से ये भी इलाका निकल गया। वो जब आगे ला जाऊंगी, वो जब दवाई आंखों से आए थे देखने, वो जब दवाई आंखों से आए थे देखने, इस बार तो तैरा भी मिटा मीठा निकल गया। वो शुरू शुरू आए मेरा हाल पूछने, जो कभी दरिया में फेंकी थी वो नेकी मिल गई, खुदकुशी करने पे आमादा थी नाकामी मिली, खुदकुशी करने पे आमादा थी नाकामी मिली, फिर मुझे दीवार पर चौकती ये चिंकी मिली, मैं इसी मिट्टी से उठा था बगुले, मैं इसी मिट्टी से उठा था बगुले की तरह, और फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिट्टी, मैं इसी मिट्टी से उठा था बगुले की तरह, और फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिट्टी, मैं इसे इनाम समझूं या सजा का नाम दूं, मैं इसे इनाम या सजा का नाम दूं, उंगलियां कटते ही तोहफे में अंगूठी, इनाम समझूं या सजा का नाम, मैं इसे इनाम समझूं या सजा का नाम दूं, उंगलियां कटते ही तोहफे में अंगूठी मिल गई। अच्छी है कि उंगलियां कटते ही तोहफे में अंगूठी मिल गई, फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी, फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी, आज पूरे दान में फिर एक बच्ची मिली, पूरे दान में फिर बच्ची मिल गई, आए हो अपनी शेर आपकी मतलब खातों को नाता रहा हूं कि आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो, आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो, इस चांद से माथे के लिए झूमर भी लगा दो, आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो, इस चांद से माथे के लिए झूमर भी लगा दो,
अजदाद की खुशबू मुझे जाने नहीं देगी, इस पेड़ के नीचे मेरा बिस्तर भी है। लगा दो और मुमकिन है मेरे बाप की नस्लें मुझे ढूंढे, मुमकिन है मेरे बाप की नस्लें मुझे ढूंढे, बुनियाद में एक नाम का पत्थर भी मुमकिन है मेरे बाप की नस्लें, बुनियाद में एक नाम का पत्थर भी लगा दो, बुनियाद में एक नाम का पत्थर भी लगा दो। और देखिए इसमें उर्दू गजल की कमाल है, दूसरे दुनिया में तकरीबन 6.5 लाख है, अल्लाह की खुशबू मुझे जाने नहीं देगी, इस पेड़ के नीचे लगा दो। अब सिर्फ जहाजों में सफर करती है पगली, अब सिर्फ जहाजों में सफर करती है पगली, बचपन में जो कहती थी मेरे पर भी बचपन में जो कहती थी मेरे पर भी लगा दो। और एक मतलब ये कि उसकी आंखों में मुरब्बत का ये सुरमा रह जाए, उसकी आंखों में मुरब्बत का ये सुरमा रह जाए, मेरे अल्लाह यही एक जजीरा रह जाए, मेरे अल्लाह यही एक जजीरा रह जाए। और शेर यह कि अपनी किस्मत भी है एक ऐसे मुसाफिर जैसी, अपनी किस्मत भी है एक ऐसे मुसाफिर जैसी, जिसको सब छोड़ के चल देते हो तन्हा, जिसको सब छोड़ के चल देते हो तन्हा रह जाए। अच्छे मेरा तुम्हारी लग रहा है कि सल्तनत भी नहीं अच्छी है अगर दोस्त ना हो, खुश भी हो आके मेरे पास सुदामा, सल्तनत भी नहीं अच्छी है दोस्त बहुत अच्छे सुदामा रह जाए। मुशायरा था, मैंने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, हमारे पास वकील नहीं है, मुमकिन मुमकिन है नो गजल मैं बात, मतलब यही कि मैं दहशत गर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, मैं दहशत गर्द था मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा हो सकता हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा हो सकता है, और हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जिन बत्ती, हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये अदालत पूछना चाहे तो मल बाबू चाहे यहाँ पर नफरतों में कैसे कैसे नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए लुटी इसमत बता देगी दुपट्टा हो लुटी इसमत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। अश्य यह है कि कई चेहरे अभी तक नू जवानी याद है, कई चेहरे अभी तक नू जवानी याद है, इसको कहीं तो पूछ मत लेना ये गूंगा होगा, अदालत में गवाही के लिए लाशें, अदालत में गवाही के लिए लाशें नहीं मानी, वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोलते हैं, वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है। और बाबू आप गवाह बना के मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत सी कुर्सियां
इस मुल्क में लाशों पे रखी है, बहुत सी इस मुल्क में लाशों पे रखी है। ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा हो। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके थे, सुनिए थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके थे, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके मिले। मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। बदल का मतलब ये है कि तसव्वुर में सही लेकिन मैं गुलदस्ता बनाता हूँ, तसव्वुर में सही लेकिन मैं गुलदस्ता बनाता हूँ। सदाए दीजिए मैं आपका चेहरा, तसव्वुर में सही लेकिन मैं गुलदस्ता बनाता हूँ। सदाए दीजिए मैं आपका चेहरा बनाता हूँ। दलित औरत की सूरत फिर रही है सारी दुनिया में, दलित औरत की सूरत फिर रही है सारी दुनिया में। तुझे ऐ मुखलिसी मैं आज से अपना बनाता हूँ। जिस ऊपर मिट्टी मलेंगे पाप को जाएंगे, जिस ऊपर मिट्टी मलेंगे पाप को जाएंगे। ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। हम ऐ गरीबी देख रस्ते में हमें मत छोड़ना, ऐ अमीरी दूर जाए नापाक हो जाए। ऐ गरीबी देख रस्ते में हमें मत छोड़ना, ऐ अमीरी दूर रह नापाक हो जाए। दलित औरत की सूरत गिर रही है सारी दुनिया में, तुझे मुफ्लिसी मैं आपसे अपना बनाता हूँ। अशेरिया की मैं जन्नत मैंने देखी है, सुनिए दोस्तों, मैं जन्नत मैंने देखी है, मैं जन्नत है, मगर मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा, मैं जन्नत मैंने देखी है, मैं जन्नत की तवक्को है, मगर मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं सूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बना, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं सूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। मैं सूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। मेरी तालीम के किस्से कहीं लिखे न कहीं लिखे न जाएंगे। मैं जंगल से गुजरने के लिए रास्ता बनाता हूँ। उछल कर भी जुड़े रहने का ये अच्छा तरीका है, क्या कहें, उछल कर भी जुड़े रहने का ये अच्छा तरीका है। वो एक बुड्ढा बनाती है, मैं गुड़िया अच्छा तरीका है। वो बुड्ढा बनाती है, मैं गुड़िया बनाता हूँ। मसरत का कोई प्याला क्या कहते तुम्हारे को बर्तन बनाता है, मसरत का कोई प्याला न मेरे चाक से उतरा, मसरत का कोई प्याला न मेरे चाक से उतरा। कभी लक्ष्मी बनाता हूँ कभी दुर्गा,
तो कभी दुर्गा बनाता हूँ और हर जगह के इंदौर में तो मुझे पता है। मैं एक बार ताला बदल और मतलब ये क्यों कि बैठे बिठाए हाले दिले दांत खुल गया। अरे बाप बैठे बिठाए हाले दिले दांत खुल गया। मैं आज उसके सामने देखा खुल गया। अरे बाप बैठे बिठाए हाले दिले दांत खुल गया। मैं आज उसके सामने देखा खुल गया। और मिट्टी में क्यों मिलाते हो मेहनत रफू करो। मिट्टी में क्यों मिलाते हो मेहनत रफू करो। अब तो निवास से जिसम का हर तार खुल गया। अब तो निवास से जिसम का हर तार खुल गया। मिट्टी में क्यों मिलाते हो मेहनत रफू करो। अब तो निवास से जिसम का हर तार खुल गया। और शेर आखिर यह है कि दुश्वार काम था तेरे बम को समेटना। अरे वाह दुश्वार काम था। दुश्वार काम था तेरे बम को समेटना। मैं खुद को बांधने में कई बार मुझको मेरे नसीब का लिखा न छोड़ता। मुझको मेरे नसीब का लिखा न छोड़ता। मैं उड़ना चाहता भी तो पीला न छोड़ता। मेरे नसीब का लिखा न छोड़ता। मैं उड़ना चाहता भी तो पीला न छोड़ता। ये खातिर ये शेर है कि तू मुझसे जानबूझ के आगे निकल गई। तू मुझसे जानबूझ के आगे निकल गई। वरना मैं जिंदगी तेरा पीछा तू मुझसे जानबूझ के आगे निकल गई। वरना मैं जिंदगी तेरा पीछा न छोड़ता। अशर मैंने अर्थियां देखेंगे। मैं चाहता नहीं था शिकारी को मारना। क्या कह रहे हैं? मैं चाहता नहीं था शिकारी को मारना। ऐसे तो मगर शिकारी भी चिड़िया न छोड़ता। चाहता नहीं था शिकारी को मारना। कभी मैंने उस शेर की याद लाया कि दुश्वार काम था तेरे पम को समेटना। मैं खुद को बांधने में कई बार जिंदा था तो है। और आज आपने साबित कर दिया कि मुनव्वर राना के यहाँ अलग से कोई न कोई बात जरूर है जो उनकी पहचान है। कोई सूरज बनाता है कोई जुगनू बनाता है। कोई सूरज बनाता है कोई जुगनू बनाता है। मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। ये इनकरादियत है जनाब मुनव्वर राना की।